इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वायरस को लेकर यह खबर आपको बता दें, देश में घट रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 34,113 नए संक्रमित, कोरोना से 24 घंटे में 346 मरीजों की मौत। तो 24 घंटे में 91,930 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जो कि राहत की बात है। तो देश में अब 4,78,882 एक्टिव केसों की संख्या, कोरोना से अब तक 5,09,011 मौत। तो कहीं ना कहीं राहत की बात है, चूंकि कोरोना का जो ग्राफ है कम होने लगा है, और जिस तरह से कोरोना मरीजों के जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, अब वो ग्राफ घटा है। 24 घंटे में 34,113 मरीज सामने आए हैं, जबकि 3 गुना मरीज रिकवर होकर अपने घर लौटे हैं, यानी कि 91,930 मरीज रिकवर भी हुए, राहत की बात है। तो देश में अब 4,78,882 एक्टिव केस हैं, वहीं कोरोना से अब तक 5,09,011 मौतें दी हैं। तो देश में घट रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा, स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरह से कोरोना वायरस के आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, जो कि खतरे की बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब इसका जो ग्राफ है वो कम होने लगा है, राहत की बात है। बिल्कुल, देखिए कोरोना के मामलों में लगातार जो गिरावट है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। 34,113 मामले जो है पिछले 24 घंटे में कोरोना के देखने को मिले हैं। वहीं टेस्टिंग की बात करते हैं तो टेस्ट जो है 10,67,000 के आसपास जो टेस्ट है वो पिछले 24 घंटे में होते हुए नजर आए हैं। पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो 3.19% जो पॉजिटिविटी रेट है वो जो है पहुंचती हुई नजर आ रही है, यानी कम जो है लगातार देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ रिकवरी रेट जो है वो भी लगातार जो है 97.68% जो है उसके आसपास देखने को मिल रही है। और अगर हम एक्टिव केसेस की बात कर रहे हैं तो लगातार एक्टिव केसेस में जो है गिरावट देखने को मिल रही है। 4,78,000 के आसपास जो एक्टिव केसेस है वो फिलहाल भारत में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो 172 करोड़ के ऊपर जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा है वो आज जो है भारत में पहुंच गया है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि तमाम जो पाबंदियां हैं वो अब दिल्ली में कहीं ना कहीं जो है हटती हुई नजर आ रही हैं। और आज से दिल्ली में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो 8वीं कक्षा से नीचे की जो तमाम कक्षाएं उनके स्कूल भी जो है खुलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, ग्राफ लुढ़का, उसके बाद तमाम जो पाबंदियां थी हटा दी गई, राहत मिली लोगों को। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ग्राफ जो है लगातार डाउनवर्ड ट्रेंड जो है दिखाता हुआ नजर आ रहा है। 34,000 के आसपास मामले हैं, 91,000 जो है रिकवर मरीज हैं, और वैक्सीनेशन जिस तरीके से लगता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब तमाम चीजें जो है खुलती हुई जो है नजर आ रही है, ताकि लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले और इकोनॉमिक तौर पर जो हालात है वो जो है पूरी तरीके से ठीक होते हुए नजर आए। ऐसे में आज से दिल्ली समेत कई अन्य प्रदेशों में जो स्कूल है वो भी खुलते हुए नजर आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पहले ही जो तमाम बाजार है वो जो है खुल चुके हैं। इसके साथ साथ तमाम सरकारी दफ्तर जो है वो पूरी तरीके से 100% कैपेसिटी के साथ जो है चलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जैसे ही मामलों में गिरावट आई, तमाम राज्य सरकारों ने जो जो पाबंदियां लगाई थी उनको हटाना शुरू किया। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो तमाम पाबंदियों की बात करें तो हटती हुई जो है चरणबद्ध तरीके से नजर आ रही है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए स्पर्श आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना के ग्राफ में गिरावट।